हम लोग तो एकदम मेयर पद के लिए एकदम एंटी इनकन्वेंसी में चल रहे हैं और हम लोग एकदम पूरा पूरी मूड बनाए हुए हैं कि हम लोग पिछले मेयर को चेंज करना है। रोड हमको लगता है ये कम से कम 20 साल पहले रोड बना है, 20 साल हो गया, 20 साल 25 साल जो भी हो, हम लोग सोचे कि चलो बदला होगा तो वो करेगा काम, लेकिन वो भी 5 साल में ना एक बार झांकने तक नहीं आए हम लोग के बीच में। देखना चाहिए कि काम किस तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जनता को कैसे खुश रखना है, वो सब तो किए नहीं है। कभी घूम के भी नहीं आते कि देखिए मेरे जनता किस तरह रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्र को हमेशा सारे नेता लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं और चुनाव वक़्त ये इनको थोड़ा थोड़ा याद आता है कि चलो जरा वहाँ भी भेंट कर लें। बना हुआ है मान हम लोगों के इधर दक्षिणी क्षेत्र में, अभी डॉक्टर वसुंधरा लाल हम लोगों के लिए पूरे भागलपुर के लिए हमारे ख्याल से अच्छा जो है, सिर्फ आप खाना पूर्ति करें दिन काटे वैसा मेयर नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग इस बार जो है मेयर को बदलना चाहते हैं। और हमारे हिसाब से तो हम समझते हैं कि डॉक्टर वसुंधरा लाल सबसे सही कैंडिडेट है। नगर निगम चुनाव भागलपुर को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है, अब काफ़ी कम वक्त बचा है, लोगों को वोट करना है 28 तारीख को, 26 तक प्रचार होना है और सभी प्रत्याशी खास करके मेयर और उपमेयर के प्रत्याशी जी जान लगा करके लगे हुए हैं, हर गली मोहल्ले वार्ड में पहुंच रहे हैं और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। हम भी लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों का मूड जानना चाह रहे हैं कि क्या लोगों का मूड है इस बार, किनको वो अपना मेयर चुनना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार मेयर को लोग अपना मत देकर चुनेंगे, इसके पहले जो पार्षद होते थे वो लोग मेयर चुनते थे, तो इस बार चूंकि जनता को खुद मेयर चुनना है तो हम लोगों ने सोचा कि कौन है लोगों पास पहुँचाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार कैसा मेयर चाहते हैं वो लोग और किनको वो पसंद कर रहे हैं। देखिए इस बार जो है ना हम लोग बदलाव चाहते हैं और ऐसा उम्मीदवार हो जो पढ़ा लिखा हो और ईमानदार हो और जिसमें परोपकार की भावना हो, सेवा भावना हो, और भागलपुर का सूरत और सीरत को बदलने वाला जो हो वैसा मेयर हमको चाहिए, ना कि वैसा मेयर जो कि सिर्फ जो है सिर्फ आप खाना पूर्ति करें दिन काटे वैसा मेयर नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग इस बार जो है मेयर को बदलना चाहते हैं। और हमारे हिसाब से तो हम समझते हैं कि डॉक्टर वसुंधरा लाल सबसे सही कैंडिडेट है, हमारे हिसाब से, हमारा अपना ओपिनियन है, मेरा अपनी धारणा है। नहीं तो बदलाव क्या पिछले 5 साल में क्या आपको काम नहीं दिख रहा है क्या? काम तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है जो होना चाहिए, अभी भी हमारा जो है जो प्रॉब्लम है इस एरिया का, दक्षिणी क्षेत्र का हो चाहे पूरे भागलपुर का हो, चाहे आप रोड देखिए नाला देखिए, सारा का स्थिति खराब है हमारा। और उसके बाद जो स्मार्ट सिटी का रूप होना चाहिए उसका कोई रूप अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि बदलाव हो और इस बार बदलाव होना भी चाहिए और देखिए जनता का क्या मन होता है बदलाव का। और आप डॉक्टर वसुंधरा के बारे में बताइए, डॉक्टर वसुंधरा का मेन प्रोफेशन जो है चिकित्सा है, तो क्या लगता है समय निकाल पाएंगी वो? देखिए जब वो मेयर बन जाएंगी तो निश्चित रूप से वो जो है पूरा समय इसमें देंगी, है ना, चिकित्सा उनका तब बगल हो जाएगा, साइड हो जाएगा। जब वो इसमें आ जाएंगी, जब वो सार्वजनिक जीवन में आ जाएंगी तो उनका ये हो जाएगा, प्लस उनके पति भी उनके डॉक्टर हैं, डॉक्टर बिहारी लाल जी, तो इसलिए उनको देने में कुछ नहीं है, अब समय देना चाहिए उनको जैसा हमको लगता है, मौका इस बार देना चाहिए। हाँ, मौका देना चाहिए उनको। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है चुनाव? उन्होंने जो बोला सही बोले हैं, अब बदलाव चाहिए। जो 5 साल में क्या लग रहा है आपको, काम नहीं दिख रहा है? 5 साल में कहाँ देख रहे हैं, कुछ नहीं है, उसी तरह दुर्दशा रोड का देख लीजिए, जो भी था नाला उला तोड़ के जो है बना दिया, इधर काटो उधर काटो। लेकिन 5 साल में जो पिछला मेयर था उनको समय कहाँ मिला, 2 साल तो निकल गया कोरोना में, तो कितना क्या काम कर पाते भी तो करना चाहिए, इन्होंने किया कहाँ कुछ। उनका तो यही कहना है कि समय नहीं मिला, 2-2.5 साल कोरोना में निकल गया। देखना चाहिए कि काम किस तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जनता को कैसे खुश रखना है, वो सब तो किए नहीं है। कभी घूम के भी नहीं आते कि देखिए मेरे जनता किस तरह रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या करिएगा इस बार? अब देखा जाए, अभी तो नहीं बता सकते कि क्या करना है नहीं करना, वो तो हम लोग सोच रहे हैं कि इनको चुनना है। क्या लग रहा है, क्या मूड है जनता का इस बार? जनता का इस बार मूड तो काफ़ी बदलाव है, और विगत ये 5 वर्षों, हाँ कोविड भी आया, प्रॉब्लम सबको आया, खासकर जनता को काफ़ी आया, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में आया, सारा लोग इस चीज़ को मैनेज कर लिया गया, लेकिन हम लोग जिस वार्ड में रह रहे हैं, ये मेयर वार्ड है, आप जहाँ पे हैं अब ये मेयर वार्ड है, आप अच्छे से भरे
सुबह आकर के वेरिफिकेशन कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हम लोग के वार्ड में क्या प्रॉब्लम है। हम लोग जो जाना है हम लोग को टाउन, टाउन का मेन रास्ता जो आपको मथुरा चौक होते हुए मिर्जान कलमगंज होते हुए हम लोग को जाना है, वो रास्ता बंद है। किशोर शॉ के घर पर कुल्लू मछली पट्टी का वहाँ पर जो बिकता है वो रास्ता पर हम लोगों को, मतलब हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग अलीगंज या बाईपास पकड़ करके रास्ता पकड़ते तब टाउन को इन करते हैं। ये फैसले थी, तो ऐसे नेता को हम लोग क्यों खड़ा करें। खाली आप रास्ता ही नहीं है, बहुत अगर इस पे बैठ के चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, काफी दक्षिणी क्षेत्र के लोग काफी मतलब धैर्यवान हैं, जो अपने धैर्य का पालन कर रहे हैं, और जब समय आएगा तो इसका उबाल मिल जाएगा। तो हम लोग भी अपना मन बना रहे हैं, सारे ग्रामीण बैठ करके, महिला पुरुष सारे लोग हम लोग बैठे हुए हैं, बना रहे हैं दक्षिणी क्षेत्र को। हमेशा सारे नेता लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और चुनाव वक़्त ये इनको थोड़ा थोड़ा याद आता है कि चलो जरा वहाँ भी भेंट कर लें, बस यही है दक्षिणी। क्या लग रहा है, कुछ मन बनाए हैं? बना हुआ है मन हम लोगों के इधर दक्षिणी क्षेत्र में। अभी डॉक्टर वसुंधरा लाल हम लोगों के लिए, पूरे भागलपुर के लिए हमारे ख्याल से अच्छा शिक्षित। क्या, क्या खास दिख रहा है उसमें? नहीं है बिल्कुल राजनीति, नहीं राजनीति के लिए एकदम नया चेहरा है। राजनीति के लिए नया चेहरा का बात नहीं है, वो पहली बात, हर कार्य हम लोग भी देख रहे हैं विगत 6 महीने से, वो जहाँ भी गई हैं अपना एक अच्छा प्रभाव रखे हैं, और काम करने का तरीका शैली सब उनके पास है, मौजूद है। वसुंधरा जी आकर के काम नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो सपोर्टर हैं, जो उनके साथ हैं, वो लोग अच्छा कार्य का मार्गदर्शन दिखा। 28 तारीख को वोट करने जाना है, कैसा माहौल है आपके वार्ड में? हम लोगों का जो बेसिक सुविधा है, एक्चुअल हम भी मेयर वार्ड से ही हैं, और जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए, जैसे नल है, पानी है, रास्ता है, रास्ता की वो दुर्गति है जिसपे हम लोग चलना भी दुभर है, या यूँ कहें कि हम लोग अपनी ज़िंदगी नरक में जी रहे हैं, और जो विगत 5 सालों में नरकों में हमने ज़िंदगी जी है, जरा सा बारिश हुआ तो भी पानी में चलना है, नहीं बारिश हो रहा है तो भी पानी में चलना है, रास्ता में इतना कीचड़ है कि फिसल करके लोग, कई लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, माथा फटता है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। रह गई बात कोरोना काल की, कोरोना काल में उन्होंने एक भी बार अपने वार्ड को देखने तक के लिए नहीं आया, ये उनसे इतना ही ज़्यादा दुख है हम लोगों को, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो क्या कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ना उनके पास कोई विज़न है, ना उनके पास कोई काम दिखता है, ना उनको कोई आगे क्या उनके पास में कोई मार्गदर्शक है कि उनको कोई आगे अच्छा काम का काम तो बढ़ा है कुछ। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी नगर निगम या मेयर के पद से नहीं है, ठीक है। स्मार्ट सिटी कह के अगर वो वोट अपना मोबिलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये उनसे है ही नहीं, ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसमें स्मार्ट सिटी उसको भी वो कार्यान्वित नहीं करवा पाई सही ढंग से आज तक। आप चले जाइए शीतला स्थान चौक पे, ये स्थिति है कि जरा सा भी बारिश होता है तो आप भोलानाथ पुल नहीं जा सकते। भोलानाथ पुल की आज विगत कई वर्षों से ये स्थिति है कि आदमी उधर से ही पार आना नहीं चाहता है। नहीं, उनका कहना है कि हम जो भी विकास करना चाहते थे, अधिकारियों लोग का अड़ंगा उसमें बार बार पड़ जाता था, हम चाहते हुए काम नहीं कर पाए। जो आदमी काम करने की इच्छा को ही नहीं है, जिनके पास में काम करने की इच्छा ही नहीं, वो काम क्या कर सकते हैं? काम करने की इच्छा, काम तो वो करता है जिसके पास इच्छा होता है। आज आपके पास इच्छा है तो आप हमारे पास आए हैं, ठीक है। तो उसी तरह जिनके पास इच्छा होगी वही काम कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार क्या करिएगा आप? हम लोग तो एकदम मेयर पद के लिए एकदम एंटी इनकन्वेंसी में चल रहे हैं, और हम लोग एकदम पूरा पूरी मूड बनाए हुए हैं कि हम लोग पिछले मेयर को चेंज करना है। अब रहेगा ये बात पूरी जनता की, भागलपुर की पूरी जनता इसमें शरीक होती है, उनका क्या निर्णय है वो उन पर डिपेंड करता है, मेरे तरफ से तो निर्णय चेंज का है। बदलाव चाहते हैं, बदलाव के बाद किनको नया लाएंगे अभी तय करेंगे, भागलपुर की जनता तय करेगी। लेकिन इनका कहना है कि काम नहीं हुआ है, और इनका ये भी कहना था कि काम करने की इच्छा अगर होती अंदर में, चूँकि जो पिछला मेयर रही हैं उनका कहना है कि ऑफिसरों का, अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला, जिस कारण कार्य धरातल पर नहीं उतर पाई, हालांकि उन्होंने भरसक कोशिश की है लेकिन काम जमीन पर नहीं उतर पाई। लेकिन जनता का कहना है कि वो चूँकि करने की इच्छा नहीं थी, अब जनता ज़्यादा समझ पा रही है। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है भागलपुर में इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं है। पिछले मेयर जो बनी थी वो कुछ काम ही नहीं किया है, जहाँ भी देखिए वहाँ रोड काट करके रखा गया, ना ही रोड भरवाता है ना ही कुछ करता है वो, जहाँ भी देखिए नाली टूटा हुआ है, टूट करके रोड पे पानी बह रहा है, उस पर कोई एक्शन कुछ भी नहीं वो कर रही है, कुछ भी आवाज़ नहीं उठाया। तो हम लोग इसलिए बदलाव चाहते हैं, ये मेयर हम लोगों को नहीं चाहिए। अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं अभी किसको देना है, लेकिन ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए।
इस मेयर जो अभी पिछला मेयर है, लोग नाराज हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं लोग जो है। हम और लोगों के पास चलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मूड है, क्या क्या जनता का मूड क्या है इस बार। मूड है इस बार पूरा बदलाव, इसलिए कि हम लोग लगभग 5 साल वो मेयर में रहे और हम लोग जिस इलाका में रहते हैं दक्षिणी क्षेत्र में, अगर हम लोग रात में अगर ट्रेन से उतरते हैं, यदि बारिश का मौसम होता है, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग अपने घर किस तरह पहुँचे, न उधर से कोई रिक्शा आना चाहता है न कुछ। जहाँ तक चलिए स्टेशन की बात है हमारे दक्षिणी क्षेत्र की, हमारे लोकल मोहल्ला ये 50 नंबर वार्ड उन्हीं का पड़ता है मेयर वार्ड, जो हम लोग जाते हैं अगर बारिश हो जाती है थोड़ा सा 10 मिनट तो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे लेडीज को चलना मुश्किल होता है कि वो नाली में चढ़ के जाएगा या नाली में पैर घुस के जाएगा, मतलब ये बहुत ही दुर्गति में हम लोग रहते हैं। समझ लिए सूखा दिन है तो किसी तरह उबड़ खाबड़ या बाइक वाले हैं तो बाइक से किसी तरह चले गए, लेकिन लेडीज और बच्चों को यहाँ इतना परेशानी है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। रोड पर चलने का मन हम लोग को पैदल नहीं करता है। समझ लीजिए जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो लेडीज कॉलेज जाती है लड़की, जो लेडीज जो है ऑफिस जाती है, उस किस तरह से यहाँ से क्रॉस करती है, समझ लीजिए आप गति। परेशानी भरा हुआ है पूरा, एकदम पूरा परेशानी भरा हुआ है। रोड हमको लगता है ये कम से कम 20 साल पहले रोड बना है, 20 साल 25 साल जो भी हो, हम लोग सोचे कि चलो बदला होगा तो वो करेगा काम, लेकिन वो भी 5 साल में ना एक बार झांकने तक नहीं आए हम लोग के बीच में। वो 2 मुंशी रख दिया है, वो मुंशी क्या करता है, उसका जितना पावर है उतना करता है कि सफाई करना है तो झाड़ू मरवा दिया, रोड साफ करवा दिया, कूड़ा उठवा लिया, बस इतना ही है, उसके पावर में तो है नहीं कुछ ना। वो क्या करिएगा आप लोग इस बार? बस इस बार है कि बदलाव जो काम करे, विकास करे शहर का, दक्षिणी क्षेत्र का, हम लोग उसको चुनेंगे और जनता का हवा जिस ओर जाएगा हम लोग उस ओर जाएंगे। क्या लग रहा है और प्रत्याशी हैं भागलपुर में अभी, जैसे कि डॉक्टर वसुंधरा का नाम आ गया? हम नाम नहीं बोलेंगे, हमारे भागलपुर शहर के जनता प्रियदर्शी है, श्वेता पटेल उनका नाम है। भागलपुर शहर का जनता जिस ओर जाएगा, तो भागलपुर की शहर की जनता मूर्ख नहीं है, वो समझदार है, तो हवा जिधर ज्यादा रहेगा हम लोग उस ओर जाएंगे, ठीक है ना। बदलाव चाहिए पूरा, हाँ जिधर जनता का मूवमेंट रहेगा हम लोग उसके साथ है। तो दक्षिणी क्षेत्र में लगातार हम घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो दक्षिणी क्षेत्र में स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, लोग बदलाव के मूड में अधिक दिख रहे हैं। कुछ लोग और हैं यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, काम नहीं हुआ है क्या 5 साल में? जब से नगर निगम का ये चुनाव हो रहा है मेयर के लिए, आज तक कोई दक्षिणी क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ है। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। क्या क्या दिक्कत, क्या परेशानी है आपको दक्षिण क्षेत्र में? किसी तरह का भी कोई काम, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कहने पर जाइए, जब तक इलेक्शन आता है तभी तक आदमी आगे पीछे कर रहा है, इलेक्शन जीत के चले गए हो, तो परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन आवश्यक है। तो दक्षिणी क्षेत्र में लगातार हम घूम रहे हैं, लोगों का मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम जनता के मूड में। तो अभी तक हम लोग जहाँ जहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक जनता का मूड यही समझ में आ रहा है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। पिछले 5 साल का काम इन लोगों को, पिछले मेयर का पसंद नहीं आया है। हालांकि मेयर को काफ़ी ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, अपने काम को समझना भी था, और उनका ये भी कहना है कि अधिकारियों से बहुत ज़्यादा सहयोग उनको नहीं मिल पाया। खैर, जनता कह रही है कि हमको उससे कोई मतलब नहीं, काम करना चाहती तो वो हम लोगों के लिए काम करती। तो इन लोगों का यही मूड हो रहा है कि थोड़ा बदलाव चाहिए। अब बदलाव करके किनको लाना है, अभी जनता अपना मूड बना रही है बदलाव करके किनको लाना है। लेकिन हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि 28 तारीख को वोटिंग होने वाला है, तो मतदान करने के लिए आप लोग ज़रूर जाएँ, क्योंकि अभी बहुत अच्छा माहौल नहीं दिख रहा है। लोग मत के प्रति उदासीन भी दिख रहे हैं नगर निगम क्षेत्र में, लेकिन टीवी अंग प्रदेश आपसे अपील करता है कि आप लोग मतदान जरूर करें, क्योंकि बाद में शिकायत करने के लिए फिर मौका नहीं मिलेगा। इस बार जो आपको बदलाव करना है या उन्हीं को लाना है, जो भी आप तय करें, जनता अधिक समझदार है, 28 तारीख को वोट जरूर करें। टीवी अंग प्रदेश के लिए कैमरामैन सुबोध के साथ अमित राज, भागलपुर।